नमस्कार प्रिय शिक्षक साथियों, पीकेवी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको NIOS DLED से जुड़े हुए एक नए अप टू डेट के लेकर आए हैं, जिसमें कोर्स फॉर्म 505 में वीक 30 में चैप्टर 10 का टेस्ट चल रहा है। कल ये मेरे मोबाइल में टेस्ट किसी रीजन से नहीं खुल रहा था, जिसके कारण हम कल यह टेस्ट नहीं दे पाए। आज यह टेस्ट हम देते हैं। यह टेस्ट 19 सितंबर तक चलेगा, तो फिर शिक्षक साथियों आप लोग यह टेस्ट ज़रूर दें। चलिए हम इस टेस्ट को ओपन करते हैं, स्वयं ऐप को ओपन कर रहे हैं। यह सिर्फ एक मीडियम में ही टेस्ट है, इंग्लिश मीडियम में इस टेस्ट को हम ओपन कर रहे हैं। तो फिर शिक्षक साथियों आप लोग यह टेस्ट को ज़रूर दें और इस वीडियो को स्किप करके कृपया न देखें। यह वीडियो शुरू से अंत ले आप लोग ज़रूर देखें ताकि इसका पूरा अप टू डेट आपको मिलता रहे। चलिए तो MCQ फॉर चैप्टर 10 ऊपर ही है, नहीं तो आप 505 बुक आइकन पर क्लिक करके 505 वीक 30 में जाकर भी दे सकते हैं इस टेस्ट को। टेस्ट को हमने खोल रहे हैं, पेज खुल रहा है, मोबाइल थोड़ा स्लो फिर आज भी चल रहा है, लेकिन कल तो साफ खुल ही नहीं रहा था। तो चलिए चलते हैं, 11 क्वेश्चन हैं, अटैम्प्ट टेस्ट करते हैं। अटैम्प्ट टेस्ट खुल चुका है। पहला क्वेश्चन है, द हैबिटेट एजेंडा ऑन नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड यूथ वाज डिक्लेयर्ड इन द ईयर। तो इसका आंसर होगा बी, 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिसी हैज गिवेन इन्वायरमेंटल एडुकेशन एंड एक्सप्लिट पैलेस इन स्कूल। तो इसका आंसर होगा नई शिक्षा नीति 1986, NPE 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच वेद रिप्लीट टू प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। कौन वेद है जो प्रकृति के संरक्षण और का समर्थन करती है? तो वह है अर्थवेद। ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन है, यजुर्वेद में यज्ञवेद का है, सामवेद में संगीत का संकलन है, जो इसमें तो ऑप्शन में है नहीं, अर्थवेद होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच पॉलिसी रिकमेंड्स दैट चिल्ड्रेंस लाइफ एट द स्कूल मस्ट बी लिंक्ड विथ देयर लाइफ आउटसाइड ऑफ द स्कूल। तो शिक्षक साथियों इसका आंसर होगा NCF 2005, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने इस नियम को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग इज ए पेडागोगी डैट जनरेट्स ए डाइवर्सफाइड बॉडी ऑफ मेथड ऑफ इंट्रक्शन। हु सेड द स्टेटमेंट। यह कथन किसने कहा था? तो इसे कथन बी ऑप्शन होगा, ब्रॉडी एंड डेविडसन ने इस कथन को कहा था। चलिए हम फिर शिक्षक साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बज ग्रुप इज ए, बज ग्रुप कैसा ग्रुप है? तो एक स्मॉल ग्रुप है जिसमें 3 से 6 छात्रों का एक ग्रुप होता है, जिसमें एक दूसरे से अपने प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए बज ग्रुप बनाया जाता है, जो एक स्मॉल ग्रुप है। 7 में है, द प्लान ऑफ असेसमेंट ऑफ EVS मस्ट फोकस मोर ऑन, यानी EVS यानी मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो किस पर डिपेंड करता है, वो किस पर फोकस है, वो किस पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एबिलिटी ऑफ लर्नर, वो सीखने वाले के क्षमताओं पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ मीडिया विल यूज टू एक्सप्लेन अबाउट लाइफ अंडर सी टू 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड। इसका आंसर होगा फिल्म। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, CCE हेल्प्स ए टीचर टू अंडरस्टैंड, यानी सतत कार्य मूल्यांकन जो हम लोग करते हैं उसका आंसर होगा, यानी किस प्रकार हम सतत मूल्यांकन करते हैं, तो स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस को देखकर, तो स्टूडेंट प्रोग्रेस हो जाएगा 9 का। इसके बाद 10 में चलते हैं, असेसमेंट टूल क्या इंक्लूड करता है? तो बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आइटम्स को इंक्लूड करता है। और लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो लिखा हुआ ए पोर्टफोलियो इज ए, हम लोग असाइनमेंट में भी पोर्टफोलियो का निर्माण किए थे, यह एक टूल है, तो इसका आंसर होगा टूल। चले शिक्षक साथियों, मैंने 11 के 11 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, अब हम लोग इस क्वेश्चन को रिव्यू करके देख लेते हैं क्या कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं।
तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, यह मैंने 10 का 10 11 के 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुका हूँ। अब इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट पर क्लिक के एस, आप लोगों को सामने यह रिजल्ट ओपन होगा। अभी मैंने 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, देखते हैं कितना सही है और कितना रॉन्ग है। सबमिट ले रहा है, थोड़ा स्लो चल रही है वेबसाइट, कल तो खुल ही नहीं रही थी। देखिए टेस्ट रिजल्ट ओपन हो रही है, बहुत स्लो चल रही है वेबसाइट। देखिए मैंने 11 का 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, ओवरऑल स्कोर 11 है, 11 सही है। आप लोगों को इस समझाने लगे इस टेस्ट को, जिसके कारण इस टेस्ट को 3 मिनट 57 सेकंड लगे हैं और वन रैंक आया है। 4353 टीचर ने इसको दे चुका है। तो चलिए मैंने इस टेस्ट को दे दिया, तो फिर इस शिक्षक साथियों आप लोग भी इस टेस्ट को ज़रूर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि NIOS DLED से जुड़ी हुई सब खबर सबसे पहले आपको मिले, तो मेरे चैनल PKV मैथ्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ प्रिय शिक्षक साथियों, NIOS DLED से जुड़े हुए हर खबर को हम आप तक लेकर आएंगे। आप निश्चिंत होकर रहें, यह टेस्ट 19 सितंबर तक चलेगा। आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर दें। आगे आने वाले समय में परीक्षा भी इसका होने वाला है, 504 और 505 का, तो उस परीक्षा से जुड़ी खबर भी हम आपको देंगे। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, यह टेस्ट को आप लोग ज़रूर दें। स्वयं ऐप पर यह टेस्ट चल रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।